स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल एक्सपर्ट में। दोस्तों अगर आप न्यू हैं, हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, इससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। दोस्तों आज की वीडियो में हम क्रिएट करेंगे दिवाली विशेष एनिमेशन। तो चलिए काइन मास्टर को ओपन कर लेते हैं। अब देखिए मीडिया से एक बैकग्राउंड चूज करना है तो ब्लैक बैकग्राउंड चूज कर लेते हैं। बैकग्राउंड चूज करने के बाद इसकी लेंथ, इसकी जो ड्यूरेशन है वो 1 मिनट कर ली मैंने। अब कोई इमेज हमें चूज करनी है यहाँ से, तो देखिए ये दिवाली लैंप्स की इमेज हमने चूज कर ली। अपने क्रॉप कर लेंगे, क्रॉप करके एडजस्ट कर देंगे हमारी स्क्रीन के टॉप पर, ठीक है। और इनको एनिमेशन देना है, इन एनिमेशन देते हैं यहाँ पर। तो आप चूज करके देख लें कौन सा बेटर रहेगा। तो एंटर स्लाइड राइट कर लिया मैंने। इसके बाद ओवरऑल एनिमेशन भी देंगे इसे, इसमें पल्स कर लिया। और आउट एनिमेशन भी देना था तो पहले इसकी थोड़ी लेंथ इंक्रीज कर लेते हैं। अब देखिए दूसरा इमेज हम चूज करेंगे, इसी को दोबारा इसको बॉटम पर हमें पुट करना है, तो इसको भी क्रॉप कर लेंगे, इसको बॉटम पर सेट कर देंगे। देखिए बॉटम पर सेट होने के बाद थोड़ा सा जूम कर लेंगे और इसमें भी इन एनिमेशन देना है तो इसको स्लाइड लेफ्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर एंटर स्लाइड लेफ्ट, और इसकी यहाँ पर स्पीड थी वो सबसे स्लो मोशन में कर लेंगे, मैक्सिमम 1.5। इसकी भी हमें लेंथ इसके इक्वल रखना है। तो नीचे देखिए यहाँ पर टूल्स में येलो कलर की जो पट्टी दिख रही है आपको स्क्रीन से नीचे, वहाँ इनकी लेंथ सेम रखना है 6 सेकेंड में। देखिए यहाँ पर दोनों की लेंथ हम 6 सेकेंड रखेंगे। देखिए यहाँ ओवरऑल एनिमेशन हमने दे दिया था यहाँ, तो हमारी जो इमेज है इनमें 3 एनिमेशन हमको देना होता है, इन एनिमेशन, ओवरऑल और आउट। चलिए टेक्स्ट पर चलते हैं और यहाँ पर शुभ दीपावली टाइप कर लेते हैं। अब इसको हमने इसको भी इसकी लेंथ सेम कर ली बाकी एनिमेशन के साथ में, और कलर चूज करेंगे इसका येलो। अब देखिए येलो कलर का कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है, इसे भी हम इन एनिमेशन, ओवरऑल और आउट एनिमेशन देंगे यहाँ से। तो इन एनिमेशन में चेक कर लेते हैं कौन सा अच्छा लग रहा है, वही हम यहाँ दे देंगे इसे। यहाँ पर फेद अच्छा लग रहा है तो इसके लिए फेद ठीक रहेगा, या पॉप देख लेते हैं और भी देख लेते हैं। तो फाइनली फेद दे दिया मैंने, इसको प्ले करके देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ओवरऑल एनिमेशन इसे देते हैं तो पल्स ठीक रहेगा इसके लिए, फिर से प्ले करके देख लेते हैं। देखिए एनिमेशन वर्क कर रहा है यहाँ पर, तो वीडियो को बार बार प्ले करके देखना होगा कौन सा एनिमेशन वर्क कर रहा है, कौन सा एनिमेशन वर्क नहीं कर रहा। तो सारे इमेज की लेंथ सेम रखेंगे, इसको आउट एनिमेशन भी दे देंगे। तो इसका आउट एनिमेशन इसके लिए बेटर है स्केल अप, तो ये स्केल अप एनिमेशन है इसका। इसकी भी स्पीड है वो मैक्सिमम कर लेंगे जिससे ये स्लो मोशन में वर्क करे। देखिए हम यहाँ डाइवर्स कर लिया, जो हमारे नीचे बॉटम वाले लैंप थे इनको डाइवर्स कर लिया आउट एनिमेशन, और जो हमारा ऊपर वाला लैंप है इसको भी आउट एनिमेशन डाइवर्स करेंगे, तो इसको भी आउट एनिमेशन डाइवर्स कर लेते हैं। ये भी डाइवर्स हो गया, इसकी स्पीड भी स्लो मोशन में कर ली। अब वीडियो को प्ले करके देख लीजिए लास्ट में, तो लास्ट का एंड पार्ट इसका कितना अच्छे से प्ले हो रहा है।
चलिए यहाँ से नेक्स्ट इमेज चूज करते हैं, क्योंकि दिवाली है तो हम ये पिक चूज कर लिए इसकी, और इसको क्रॉप कर लेंगे शेप में, सर्किल शेप में क्रॉप करना क्योंकि इसका बैकग्राउंड ब्लैक कलर का है। इसको क्रॉप करके राइट साइड पे हमने पुट कर दिया। अब एक इमेज रेड कलर की और चूज करेंगे, इसको लेफ्ट साइड पे पुट करना, इसको भी क्रॉप कर लेंगे। क्रॉप करने के बाद देखिए इन दोनों इमेज को भी हमें एनिमेशन देना है, इन एनिमेशन ओवरऑल और आउट एनिमेशन। तो इतना काम आपको समझ में आ गया होगा, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो एनिमेशन चेक करते हैं इनके लिए, पॉप पल्स और भी चेक कर लेते हैं, तो हमें जो अच्छा लगेगा वो यूज करेंगे। तो इसके लिए मैंने इन एनिमेशन पॉप किया और आउट एनिमेशन यहाँ पर देखते हैं स्केल अप। स्केल अप बहुत अच्छा एनिमेशन होता है। फिर से क्रॉप कर लेते हैं थोड़ा ब्लैक पार्ट, हमारा जो टेक्स्ट था सुब उसके ऊपर आ रहा था ब्लैक पार्ट, इसलिए इसका थोड़ा शेप में जाके ब्लैक पार्ट है जो बैकग्राउंड में वो क्रॉप कर लेंगे। अब देखिए फिर से सेट कर दिया, फिर से प्ले करके देख लेंगे, अब ठीक से प्ले हो रहा। इसकी भी लेंथ हमने इंक्रीज कर ली, इसका आउट एनिमेशन स्केल अप कर देंगे। स्केल अप है पहले से, इसकी स्पीड स्लो कर दी हमने। तो ये हमारी वीडियो प्ले हो रही है, देखिए कितना अच्छे से मूव हो रहा है। अब देखिए जो हमारा राइट साइड पे था इसकी लेंथ इंक्रीज करना है, इसकी लेंथ इंक्रीज हो चुकी है। अब देखिए जितने भी हमारे इमेज आपको दिख रहे हैं नीचे टूल्स में येलो कलर की पट्टी पे, इनका जो एंटर और लास्ट का जो साइज है वो सेम रखना है, इसकी ड्यूरेशन सेम रखना है 6 सेकेंड, ठीक है, ताकि ये एनिमेशन जब इन होंगे तो एक साथ होंगे और आउट होंगे तो एक साथ आउट होंगे। हर एनिमेशन को एडिट करने के बाद वीडियो को प्ले करके देखना जरूरी है, जिससे पता चल रहा है कौन सा एनिमेशन वर्क कर रहा है कौन सा एनिमेशन वर्क नहीं कर रहा। अब चलिए नेक्स्ट चूज करते हैं ब्लू कलर, इसको भी क्रॉप कर देंगे शेप में जाके, और लेफ्ट एंड राइट पर दो इमेज चूज करेंगे, दोनों पुट कर देंगे। तो देखिए हमारी जो स्क्रीन है, हमारी जो विंडो है, यहाँ पर हम रेड वाले के ऊपर ही पुट करेंगे, लेकिन हमारे जो टूल्स हैं नीचे दिख रहे हैं आपको येलो पट्टी दिख रही है जो, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ओवरलैप नहीं करना है। यहाँ पर जब हमारी रेड कलर की इमेज एंड हो जाएगी तब इसको हम पुट करेंगे, ताकि एक इमेज का एंड होने पर दूसरी इमेज स्टार्ट हो जाए। अगर आप इसको ओवरलैप कर देंगे तो एक ही इमेज दिखाई देगी हमें। तो स्क्रीन पर तो हमें एक दूसरे के ऊपर पुट करना, लेकिन नीचे बात कर रहा हूँ टूल्स में, देखिए जहाँ येलो पट्टी दिख रही है जहाँ से हम एडिट कर रहे हैं वहाँ पर एक रेड वाली का जब एंड हो जाएगा तब हमें पुट करना है ब्लू। तो सेकंड ब्लू पिक्चर हमने चूज कर ली, इसको भी क्रॉप कर देना और इसको भी पुट कर देना। थोड़ा सा प्ले करके देख लेते हैं, तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, साइज भी सेम कर लेंगे दोनों के, और हाइट और डिस्टेंस दोनों कॉर्नर से डिस्टेंस और हाइट ऊपर और नीचे से सेम कर लेंगे, और वीडियो को अब जैसे पहले भी बोल चुका हूँ प्ले करके देखते रहना, इसको भी एनिमेशन देना। तो सारे एनिमेशन आपने देख लिए होंगे, देखिए सारे एनिमेशन में जो एंड एनिमेशन है
या आउट एनिमेशन, वो आपको स्केल अप देना है जिससे ये जूम होकर इसका एंड होता है। ठीक है, इस तरीके से हम दो पिक्चर यूज कर चुके हैं। अब देखिए हमारी रेड ब्लू यूज हो चुकी है, इसकी लेंथ थोड़ी कम कर लेते हैं। लेंथ कम करने से क्या होगा, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट है ब्लू कलर की, वो इससे सटाकर लगा देंगे। नीचे टूल्स में देखना है स्क्रीन पर, में अगर आप फ़ोन में वीडियो देख रहे हैं तो फुल स्क्रीन मोड में देखें, तभी आपको ये दिखाई देगी क्लियर। देखिए प्ले करके देख लिया हमने, अब इसको जो ब्लू वाला है इसको पकड़ के आगे लाते हैं, तो इसको भी हम मूव करा के जस्ट इसके रेड वाले के एंड कॉर्नर पर ले आए, जिससे रेड वाले जैसे ही एंड होगा ब्लू वाला स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से सेट करते रहना, और सारे जितने भी इमेज यूज किए हैं सारी की लेंथ इक्वल रखना है एक दूसरे के। रेड वाली जो भी हैं उनकी लेंथ इक्वल रखना है, ब्लू वाली जो भी हैं उनकी लेंथ इक्वल रखना है। इनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम साइज में रखना है, सेम ड्यूरेशन रखना है इनकी, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों ब्लू इमेज की। तो हमारे ब्लू इमेज फुली तरीके से एनिमेटेड हो जाएंगे, उसके बाद हम ग्रीन चूज करेंगे। तो इस तरह से हम वीडियो प्ले करके देखते रहेंगे, कोई किसी पे ओवरलैप तो नहीं हो रहा या किसी का साइज छोटा बड़ा तो नहीं है, सारे साइज ठीक कर लेंगे। और इनकी जो ड्यूरेशन है वो भी सेम रखेंगे, वन कलर की ड्यूरेशन सेम होनी चाहिए। तो देखिए रेड वाले की हम 0.3 कर ली, और ऊपर वाला जो दूसरा इसकी भी 0.3 बन करेंगे, और फिर से प्ले करके देख लीजिए एक साथ इनका एंड होगा। तो बस सेट करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, थोड़ा टाइम लगेगा, सेट करने के बाद जब एक बार एनिमेशन क्रिएट हो जाएगा फिर आप इसको बहुत जल्दी एडिट कर सकते हैं, कोई सी भी इमेज पुट कर सकते हैं। यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा है शुभ दीपावली, यहाँ लक्ष्मी गणेश की पिक्चर भी लगा सकते हैं। और चलिए ग्रीन वाला चूज करते हैं, इसको भी शेप में क्रॉप कर लेंगे। क्रॉप करने के बाद इसको भी लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में पुट कर देंगे, दो इमेज चूज करने के बाद दोनों साइड में पुट कर देंगे। इसकी भी लेंथ को थोड़ा अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे जितना भी आपको सेट करना, और एनिमेशन इसको भी दे देते हैं, तीनों एनिमेशन इसको दे दिए हमने। स्केल अप इसका आउट एनिमेशन है, दूसरा ग्रीन हमें चूज करना है। देखिए दूसरा ग्रीन हमने चूज कर लिया, इसको भी क्रॉप कर देंगे। क्रॉप करने के बाद इसे लेफ्ट साइड में पुट करना। अब देखिए लेफ्ट साइड में हमने पुट तो कर दिया, ये हमारे रेड ब्लू के ऊपर आ तो गया स्क्रीन पर, लेकिन हमारे रेड वाले शो नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमने नीचे आप टूल्स में देखेंगे जो ग्रीन कलर का है वो हमने स्टार्टिंग में लगा दिया, जो हमारा फ्रेम स्टार्ट हुआ था जहाँ से ब्लैक कलर का, यहाँ स्टार्टिंग में, इसलिए हमारे बाकी के जो इमेज थे वो इसके नीचे हो गए और हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखिए रेड रेड वाले के साथ हमने इसकी स्टार्टिंग कर दी, तो इसको हमें बैक लाना है। तो देखिए ग्रीन वालों को ग्रीन वाले के ऊपर रखना है, और ब्लू वालों को ब्लू वाले के ऊपर, और रेड वालों को रेड वाले के ऊपर रखना है टूल्स में। नीचे स्क्रीन पर तो एक दूसरे के ऊपर रहेंगे, लेकिन टूल्स में जब एक इमेज की जो लेंथ है वो एंड हो जाए तब दूसरे की स्टार्टिंग करना, तभी एक
ये सारे इमेज एक दूसरे पर अपीयर होंगे। तो इन सारे इमेज को वही तीनों एनिमेशन देना है, इन एनिमेशन, ओवरऑल एनिमेशन, आउट एनिमेशन। अगर आप इन एनिमेशन नहीं देते हैं तो ये डायरेक्ट अपीयर होते हैं, जिससे ये एनिमेशन हमारा अच्छा नहीं लगता। तो चलिए अब गोल्डन वाला चूज करते हैं, इसको भी शेप में क्रॉप कर लेंगे और हमने इसे लेफ्ट में पुट कर दिया। और एक और चूज करेंगे, उसे राइट में करेंगे। पहले एनिमेशन दे देते हैं इसे तीनों। स्केल अप लास्ट वाले को स्केल अप करते हैं, स्केल अप से अच्छा एंड होता है इसका। चलिए दूसरा गोल्डन इमेज हमने चूज कर लिया, इसको भी क्रॉप करके सेलेक्ट कर दिया। इसको भी एनिमेशन देना है हमको, तो इन एनिमेशन, ओवरऑल और आउट एनिमेशन इसमें भी पुट करने हैं। दोनों का साइज सेम कर लेते हैं और हाइट भी सेम कर लेते हैं, सेम हाइट पर होने चाहिए, साइज भी सेम होना चाहिए। दोनों कॉर्नर से डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए। और नीचे टूल्स में भी चेक कर लेते हैं कि टूल्स में एक दूसरे के ऊपर लैप तो नहीं कर रहे हैं। देखिए वीडियो प्ले करके हमने दिखा दी, एक दूसरे के बाद अपीयर हो रहे हैं अच्छे से। अब देखिए फ्रेम जो था हमारा, उसको थोड़ा डिक्रीज कर लेते हैं हम। इसको लगभग जो हमारी एनिमेटेड वीडियो है इसको 12 सेकंड का ही बनाएंगे, तो 12 सेकंड की वीडियो क्रिएट करेंगे। इसलिए फ्रेम और जो भी एनिमेशन पिक्चर है इनकी सबकी लेंथ 12 सेकंड कर लेंगे। अब देखिए हमारे ऊपर वाला जो लैम्प है इसमें डाइवर्ज नहीं हो रहा। डाइवर्ज क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी जो बैकग्राउंड है ब्लैक कलर में वो, और जो हमारा इमेज यूज किया है इमेज बैकग्राउंड से आगे निकल रहा है, इसलिए ये आउट एनिमेशन वर्क नहीं कर रहा है ऊपर वाले लैंप में। ठीक है, तो एक बार स्टार्टिंग से हमने प्ले करके देख ली वीडियो, एंड तक प्ले करके देख लेते हैं कौन सा एनिमेशन वर्क नहीं कर रहा है। तो देखिए ऊपर वाले लैंप में वर्क नहीं कर रहा है, इसकी वजह यही है कि इसका बैकग्राउंड है वो, इसकी जो इमेज है येलो कलर की, नीचे येलो कलर की जो पट्टी है ये बैकग्राउंड से ज़्यादा आगे निकल रही है। ठीक है, तो बैकग्राउंड को थोड़ा इससे आगे कर लिया तो ये वर्क करेगा। ठीक है, और दोनों जो हमारे टॉप और बॉटम वाले लैंप हैं इनकी जो लेंथ है वो बैकग्राउंड से कुछ कम रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर साउंड भी इसमें पुट कर देते हैं, दिवाली साउंड है तो पहले यहाँ पर मैंने बेल रिंग पुट कर दी और यहाँ पर कुछ बॉम्ब की या एक्सप्लोजिव साउंड भी यहाँ पर पुट कर देंगे। इनको भी लिसन करके देख लेंगे इनकी साउंड कितनी और कैसी हमें सुनाई दे रही है। देखिए यहाँ पर जो एक्सप्लोजन हिस बॉप रहेंगे स्टार्टिंग पॉइंट में, वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है, इसको मैंने क्रॉप कर दिया, ट्रिम कर दिया और इसका एंड का पार्ट मैंने ऐड कर दिया। तो हमारी जो एनिमेशन है 12 सेकंड की, इसमें ये भी जितनी भी हम साउंड यूज करेंगे एक यहाँ पर दिख रहा है लाइट फ्यूज, लाइट फ्यूज भी हमारे रॉकेट जैसी साउंड होती है, तो इसको भी यूज करेंगे। दो से तीन बार ऐड करने का मतलब है, क्योंकि हम 12 सेकंड से कम की है ये, तो दो से तीन बार यूज कर रहे हैं। देखिए सारी जो भी
अट्रैक्टिव लग रही है, देखिए फुल स्क्रीन पर कितनी अच्छी लग रही है ये। तो इसको हम अपनी गैलरी में डाउनलोड कर लेंगे और अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कर सकते हैं। इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं हाई क्वालिटी पर। एक्सपोर्ट करने के बाद फ़ोन में भी प्ले करके देखेंगे। ये हमारी फ़ोन गैलरी में आ गई और यहाँ से प्ले करके देख लीजिए, इतना अच्छा एनिमेशन बना। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।